नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, मौसम शुष्क होने से तपिश बरकरार है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार से एक बार फिर प्रदेश में बादल छाने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में फिर कुछ गिरावट होने लगेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आसपास बना पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है, इस वजह से मौसम शुष्क होने लगा है। उधर एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बन गया है। इसके अतिरिक्त विदर्भ से लेकर कर्नाटक तक एक द्रोणिका भी बनी हुई है। ईरान पर बने पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण हवाओं के साथ एक बार फिर नमी आने लगेगी, इस वजह से शुक्रवार से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने लगेंगे। इससे तपिश से फिर कुछ राहत मिलने लगेगी। उधर 24 अप्रैल को भी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से संकेत मिले हैं, इस वजह से अभी एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान में विशेष बढ़ोतरी होने के आसार कम है। इस वर्ष अप्रैल में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण बादल बने रहे हैं। साथ ही भोपाल, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन के संभागों में गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला भी बना रहा। जैसे कि वर्तमान में प्रदेश पर कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है, इसके वजह से भी धूप खिली हुई है और अगले 4 दिन तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। फिर एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से खाली साउथ एमपी में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। यहाँ पे हवा की गति थोड़ी तेज हो सकती है, 30 से 40 किलोमीटर और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। वो एरिया है अपने बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा, खरगोन, इस एरिया में बारिश होने के चांसेस है। बाकी भोपाल की बात करें तो भोपाल का अधिकतम 39 और न्यूनतम 24 के आसपास रहा है और लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.